फाइव डेज बैंकिंग संघर्ष मोर्चा ने इसे लागू करवाने के लिए किया कैंडल मार्च। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 5 दिन की बैंकिंग की मांग को लेकर बैंक कर्मचारियों के 5 डेज बैंकिंग संघर्ष मोर्चा ने जंतर मंतर में वित्तीय सेवाएं विभाग संसद मार्ग तक कैंडल मार्च का आयोजन किया। 5 दिवस की बैंकिंग को जल्दी लागू कराने के लिए एक ज्ञापन भी सेक्रेटरी वित्तीय सेवाएं विभाग को सौंपा। अभी बैंकों में दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है। यह 2 दिन का अवकाश 1/9/2015 से लागू हुआ था। बैंक कर्मचारी लंबे समय से 5 दिन की बैंकिंग की मांग कर रहे हैं। 2015 से पहले भी बैंक कर्मचारियों की यही मांग थी, लेकिन सप्ताह के बाकी दिनों में काम का समय बढ़ाने पर सहमति न होने के कारण 5 दिन की बैंकिंग लागू नहीं हो सकी और केवल दूसरे और चौथे शनिवार को ही अवकाश घोषित हो पाया। लेकिन बैंक कर्मचारी उसके बाद भी लगातार 5 दिन की मांग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, रिजर्व बैंक, नाबार्ड और LIC में भी 5 दिन का सप्ताह है। सप्ताह में 5 दिन से जहां कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ती है, वहीं बैंकों के खर्चों में भी कमी आती है। पर्यावरण की दृष्टि से भी इसका लाभ होता है। वैसे भी आज के डिजिटल बैंकिंग के युग में शनिवार के अवकाश से कोई फर्क नहीं पड़ता। फरवरी 2023 को यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस UFBU और इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA में 5 दिन की बैंकिंग और सप्ताह के बाकी दिनों में काम के समय को बढ़ाने की सहमति हो जाने के बाद भी इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा। बैंक कर्मचारियों की मांग है कि 5 दिन की बैंकिंग को तुरंत लागू किया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।